हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है और देखा है जिसकी वजह से लोग खुश नहीं रह पाते। आपके इस एक आदत की वजह से आप लाइफ में खुश नहीं रह पाते हो। वो आदत है अपने आप को सीरियसली लेने की। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि अगर उन पर कोई मजाक किया जाता है, उनको कोई बात बोल दिया जाता है, तो वो लोग सीरियस ही हो जाते हैं और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर चाहे वो उनके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, उनके घर वाले क्यों ना हो, वो लोग अपने आप को इतना सीरियसली लेते हैं, वो लोग अपने आप को इतना एग्विस्टिक बना लेते हैं कि वो लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी मेंटल पीस ख़त्म हो जाती है और वो लोग हर वक्त अनहैप्पी ही रहते हैं। वो लोग ज़्यादातर वक्त खुश नहीं रह पाते। फेमस राइटर और स्पीकर एलन वॉट्स कहते हैं कि मेन सफ़र बिकॉज ही टेक्स सीरियसली व्हाट द गॉड मेड फॉर फन। मतलब कि आदमी इसलिए सफ़र करता है, आदमी इसलिए दुखी रहता है क्योंकि वो उन सारी बातों को सीरियसली ले लेता है, उन सारी बातों को लेकर के सीरियस हो जाता है जिसको ऊपर वाले ने और गॉड ने फ़न के लिए बनाया है, मस्ती के लिए बनाया है। जो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर सीरियस हो जाते हैं और ज़्यादातर वक्त अपने आप को सीरियस रखते हैं, सीरियसली रहते हैं, उनके बारे में अमेरिकन एंटरप्रेन्योर और फेमस थिंकर नवल रविकांत कहते हैं कि डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली, यू आर जस्ट अ मंकी विद प्लान। मतलब कि अपने आप को इतना सीरियसली मत लो, तुम सिर्फ एक बंदर हो जिसके ऊपर, जिसके सर में एक प्लान है। आई थिंक ये बात इतनी गजब की है कि अगर इसको कोई बंदा सोचे तो वो अपने आप को लाइफ में कभी सीरियसली लेने का। जब मैंने ये कोट पढ़ा था तब मुझे लगा कि क्या गजब बात कही है नवल रविकांत ने। एक्चुअली अपने आप को सीरियसली क्यों लेना है? हम लोग एक जानवर हैं जिसके सिर पे एक प्लान बैठा हुआ है। हम लोग एक सिंपल और साधारण सोशल एनिमल हैं जिसके पास कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ गोल्स हैं, जिसके कुछ एस्पिरेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को सीरियस बना लेते हैं, अपने आप को सीरियसली ले लेते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोम का सबसे पावरफुल राजा जो था मार्कस ऑरेलियस, और उस वक्त का सबसे पावरफुल इंसान, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान, तो मार्कस ऑरेलियस जब भी रूल करने के लिए बैठते थे, जब भी कुछ फैसले सुनाने के लिए बैठते थे, तब उनका नौकर उनके पास आके बोलता था कि हे यू आर जस्ट अ मैन। मतलब कि अपने आप को इतना तीस मार का मत समझो, तुम सिर्फ एक इंसान हो, तुम्हें भी मरना है। तो इसलिए हमें एक लाइफ मिली है और उस लाइफ को सीरियसली लेकर के, उस लाइफ को सीरियस बन करके, बोरिंग बन करके क्यों बिताना यार? जस्ट फन करो, लाइफ में चिल रहो, और उससे लाइफ इजी रहती है और उससे लाइफ मज़ेदार हो जाती है, खुश रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोगों के अंदर ईगो भरी हुई होती है और वो लोग इगोइस्टिक होते हैं। अगर वो लोग अपने आप को फ़नी बनाने की भी कोशिश करते हैं, वो लोग अपने आप को लाइट रखने की भी कोशिश करते हैं, तब भी वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका ईगो उनके आड़े आ जाता है, उनका ईगो उनके बीच में आ जाता है। और जो बंदा इगोइस्टिक होता है वो कभी अपने आप को लाइटली नहीं ले सकता, वो कभी अपना मजाक नहीं उड़ा सकता, अपना फ़न नहीं बना सकता, और इस ईगो की वजह से वो लोग अपनी लाइफ में मज़े नहीं कर पाते, मस्ती नहीं कर पाते, और उन लोगों की लाइफ बोरिंग बन के रह जाती है और उनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता, उनसे कोई मजाक भी नहीं करना चाहता। सो ये रहा मेरी लाइफ का एक ऑब्जर्वेशन। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।